सेना ने पिच खोदा था फिरोज शाह कोटला का, सिर्फ आज तक ने कवर किया था 11 बजे रात में, और वो मैं किया था जो पिच खोदते हुए कवर किया था, वहां से मैंने पीटीसी करी थी, किसी चैनल को किसी अखबार को भनक तक नहीं। न्यूयॉर्क में न्यूक्लियर समिट हो, तमाम चीजें जो वर्ल्ड के जितने भी बड़े इवेंट होते हैं वो मैंने कवर किया। 3 दिन मैंने बारिश में जंगल में छुप के रिकन्वर्जन वाली स्टोरी को मैंने कवर किया था। आप अर्नब के स्टाइल को जानते हैं, मैंने अपनी सारी बातें मैंने साफ कहा। उन्होंने कहा कि तुम एडिटर क्यों बनना चाहते हो, मैंने कहा मेरे अंदर भूख है। इतनी बड़ी चुनौती थी मेरे लिए कि मैंने बॉस को भी उनको कहा था कि बॉस मैं जिस दिन ये चैनल नंबर 1 बन रहेगा मैं रिटायर। मैंने कभी अंग्रेजी पढ़ी नहीं, अंग्रेजी स्कूल में लिखता अच्छा हूँ, अब तो बोल भी लेता हूँ गलती से। अंग्रेजी कमजोर होना कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं, और उसका उदाहरण मैं हूँ। मैं अपने फेसबुक पे ट्विटर पे हर जगह मैंने ये लिखा, जो मेरा प्रोफाइल पढ़े तो उसको ये लगे कि इस आदमी की अंग्रेजी कमजोर है लेकिन ये आदमी का प्रोफाइल तो बड़ा अच्छा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं समाचार को मीडिया। मीडिया जगत के लोगों से बातें करने का, रूबरू होने का, उनकी जीवन यात्रा से जुड़े अनुभव साझा करने का जो हमारी एक हमने जो एक परंपरा शुरू की है वो अनवरत जारी है। और आज उसी कड़ी में, उस क्रम में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शमशेर सिंह जी। वर्तमान में जी हिंदुस्तान के मैनेजिंग एडिटर हैं, डिजिटल का भी कार्यभार देखते हैं और कई बड़े बड़े न्यूज चैनल्स में काम कर चुके हैं। तो सबसे पहले शमशेर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद धन्यवाद। आज आपसे बात करते हुए मुझे इसलिए भी खुशी हो रही है क्योंकि आज एक बहुत खास दिन है। मैंने सुबह सुबह आपका ट्वीट देखा, हालांकि मुझे मालूम नहीं था। 21 मई 2017 को ही जी हिंदुस्तान की नींव रखी गई थी, आज 21 मई को ही लॉन्च किया गया था और आप उसके फाउंडिंग मेंबर थे। तो सबसे पहला सवाल उसी को लेकर है, कैसे जी हिंदुस्तान की रूपरेखा बनी, आप उसके फाउंडिंग मेंबर थे तो चैलेंजेस भी आए होंगे, चुनौतियां भी आए होंगे और आज एक बहुत अच्छी रेटिंग आज हिंदुस्तान को मिल रही है, अच्छी टीआरपी मिल रही है, तो इस यात्रा के बारे में कुछ बताइए। देखिए 2017 में मैं उस समय नेशनल अफेयर्स एडिटर होता था इंडिया टीवी जी। तो उस समय हुआ कि एक चैनल लॉन्च होगा जो कि जी का ही होगा लेकिन जो जी न्यूज उससे बिल्कुल अलग हो। तो मुझे अप्रोच किया गया, मेरी बातचीत हुई, तो हमने कहा कि अलग वही होगा, यहाँ हम राज्यों की बात करेंगे, छोटे शहरों की बात करेंगे, कस्बे की बात करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ, और उस समय हमने एक लाइन दी थी कि स्टेट्स मेक द नेशन, कि राज्यों से देश बनता है, देश बनता है, इस लाइन के साथ हम, और ये पसंद भी आया उस समय जो हमारे सीईओ थे उनको बेहद पसंद आया। और फिर हमने तैयारी शुरू की और आज ही के दिन मैंने ही इस चैनल को लॉन्च किया था जी। और काफी अच्छे तरीके से लॉन्च हुआ, हमारे कई सारे सोच थे, हमारे पास मार्केट के अच्छे लोग हमने हायर करे थे, कुछ यहाँ के लोग थे। और फिर आनंद जी दुर्भाग्य से कहिए कि मैं मुश्किल से 6 महीने यहाँ, लेकिन उस 6 महीने में चैनल 6.8 टीआरपी तक गया था। 6.8 टीआरपी मतलब काफी अच्छी मानी जाती काफी है, अच्छी होती है। तो इसके बाद मैं, कुछ वजह रही, मेरी निजी वजह रही, तो मैं यहाँ से छोड़ के गया था। तो इस चैनल को मैंने ही लॉन्च किया। और इसीलिए मैं ये कहूंगा कि जब मुझे, मैं रिपब्लिक भारत में था, जब मुझे ये कहा गया कि आपको फिर इस, क्योंकि ये मेरा एक कहें कि एक एडिटर के तौर पर, चैनल हेड के तौर पे, ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था जी। तो जो एक लगाव होता है, एक जो मेरे बेबी की तरह था, बच्चे की तरह था, तो मेरे मन में कहीं ना कहीं था कि चलो ठीक है, रिपब्लिक भारत हमने लॉन्च किया, नंबर 1 हो गया, एक बार इस चैनल को भी देखते। तो जैसे ही मुझे यहाँ से ऑफर आया, मुझे कहा गया कि अब आप अगर जी हिंदुस्तान से जुड़ना चाहे, तो मैंने तुरंत हाँ कहा। मैंने कहा चलो, क्योंकि ये मेरा ही लॉन्च किया हुआ था, बच्चे की तरह था, बिल्कुल। तो एक जो भावनात्मक लगाव होता है, वो लगाव था मेरा इस चैनल के साथ। लॉन्चिंग की बात होगी तो फिर बाद में रिपब्लिक की भी बात करेंगे, आपके सफर के बारे में बात करेंगे। अगला सवाल मेरा आपके प्रारंभिक जीवन को लेकर है, क्योंकि अक्सर मैं अपने गेस्ट से ये सवाल पूछता हूँ ताकि जितने भी यंग जर्नलिस्ट हैं दे हैव टू नो कि आपका सफर कहाँ से शुरू हुआ। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में बताइए, और क्या वाकई में आप पत्रकार बनना चाहते थे, और पत्रकार अगर बनना चाहते थे तो पत्रकारिता में कैसे आना हुआ। देखिए, आप अगर मेरे ट्विटर हैंडल पे जाएंगे, मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे जाएंगे,
तो मैंने बेहद ईमानदारी से, क्योंकि मैं सच बोलने के लिए और ईमानदारी के लिए इंडस्ट्री में जाना जाता हूँ। लोग कहते हैं कि भाई कई बार तुम कुछ ज्यादा सच बोल लेते हो। तो मैंने अपने प्रोफाइल में भी मैंने लिखा है ठेठ बिहारी, उसके लिए अलग से सवाल रखा हुआ है मैंने। अंग्रेजी कमजोर, अंग्रेजी कमजोर, स्वभाव से जिद्दी, उसके लिए अलग से सवाल रखा हुआ है मैंने वीडियो। तो मैंने कभी किसी इंग्लिश स्कूल में नहीं पढ़ा। पिताजी मेरे आर्मी ऑफिसर होते थे, तो मैं गांव से पढ़ा, फिर जिस हॉस्टल में रहा वो भी गांव से ही था। बिहार में पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है, वहां का मैं रहने वाला हूँ। तो गांव के स्कूल से मेरी, आप समझो कि 10th तक की पढ़ाई गांव के स्कूल से। इसके बाद मैंने 12th पूर्णिया से करा, फिर मैं पटना आ गया। और इसके बाद फिर जो नॉर्मली हमारे समय में क्या होता था कि बिहार और यूपी के, खास करके बिहार के मैक्सिमम लोग, आप अगर जिस समय मैं 98 में आज तक ज्वाइन किया था, बिल्कुल, तो उस समय आप देखो कि बिहार के जितने लोग आते थे दिल्ली यूपीएससी करने के लिए आते थे, बिल्कुल। तो मैं भी वही ड्रीम लेके आया यूपीएससी करने के लिए। यहाँ यूनिवर्सिटी में था, फिर मॉडल टाउन, आप यूनिवर्सिटी के बगल में जगह मॉडल टाउन, मॉडल टाउन में रह के मैं तैयारी करता था। जब तीसरी बार मेरा नहीं हुआ, मैं मतलब प्रीलिम्स तो कर जाता था, मेंस भी नहीं हुआ मेरा, तो हमारे पास एक बड़ी समस्या ये हुई कि अब वापस जाके करूंगा। सर मैं एक मिनट आपको टोक रहा हूँ, ये आप इसे संयोग समझिए कि आप भी बिहार से हैं और न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर जो है ब्रजेश कुमार सिंह जी, वो भी बिहार से हैं। और आप ताज्जुब करेंगे कि उन्होंने भी पत्रकारिता सिर्फ इसलिए ज्वाइन की क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि बोला आनंद अगर मैं यूपीएससी के 4 अटेम्प्ट नहीं कर पाया तो मेरा क्या होगा। ये जो है ना आनंद जी, उन्होंने सही कहा, ये कॉमन ये मानसिकता थी, क्योंकि हम आते थे सिर्फ यूपीएससी करने जी। हमारे माँ बाप भेजते थे हमें यूपीएससी करने, और फिर हमारा जो जिस समाज से हम लोग आते थे, हमारा जो प्रोफाइल बनता था उस समय, दिल्ली में पढ़ना अपने आप में बड़ी बात होती थी, तो पूरे इलाके में ये चर्चा होती थी कि उनका बेटा दिल्ली में पढ़ रहा है, उनका बेटा यूपीएससी की तैयारी, आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहा है। सक्सेस रेट भी काफी अच्छा होता था। आप समझो कि जैसे मैं अगर 10 लड़के हम लोग तैयारी करते थे तो उसमें से 6 से 7 कहीं ना कहीं निकल जाते थे, पीसीएस में भी चले जाते थे। तो वैसी स्थिति में हमारे पास ये होता था कि बेहद ईमानदारी से कहता हूं कि हम किस मुंह लेके वापस जाएंगे, क्या करेंगे जाके। जिस व्यक्ति के बारे में आप समझो पूरे रिश्तेदारों में, पूरे समाज में, अगल बगल के 2-4 जिलों में यह चर्चा हो कि वो दिल्ली में पढ़ रहा है, आईएएस की तैयारी कर रहा है, और फिर आप ये पहुंचो, तो फिर वहां क्या स्थिति होगी आपकी, आप क्या कर सकते हैं। एक तो आप जो वहां का कल्चर था वहां से 10 साल अलग रहे हो, आप वहां जाके दुकान कर नहीं सकते, नहीं कर सकते, गाड़ी चला नहीं सकते, फैक्ट्री जैसी नौबत नहीं थी, तो आप करोगे क्या। तो फिर हमें लगता था कि एक ऐसा पेशा है जहां आदमी अपनी पूरी मेहनत की, जो पढ़ाई यूपीएससी की पढ़ाई का तो कोई जवाब नहीं है, तो मेहनत की पूरी पढ़ाई और सम्मान, बेशक तनख्वाह कम मिले लेकिन एक जो प्रोफाइल होगा, सम्मान होगा, और लोगों को कहने के लिए भी होगा उस समाज को कि चलो ठीक है यूपीएससी नहीं किया तो इसका बेटा चलो बड़ा पत्रकार तो बन गया है, चलो अच्छा हो गया। तो ये कॉमन होता था और ये मेरे साथ भी वही हुआ। मेरा जब तीसरी बार नहीं हुआ तो मैंने कहा कि अब क्या पता चौथी बार हो या ना हो। तो फिर हमने वो ऑप्शंस देखने शुरू किए और इकलौता यही ऑप्शन था जहां तमाम चीजें मिलती थी। तो इसलिए मतलब आपने पत्रकारिता को चुना क्योंकि आपको लगा मैं यूपीएससी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल। तो अब इसी से मेरा अगला सवाल है कि चूंकि जब आपने पत्रकारिता को कैरियर बनाने का सोच ही लिया था, तो मैं आपकी कुछ प्रोफाइल्स देख रहा था, तो मैंने देखा कि अप्रैल 1998 में सीधा आपने टीवी में एंट्री करी, प्रिंट में काम नहीं किया, कहीं आर्टिकल्स आपने नहीं लिखे, तो आज तक एक बहुत बड़ा चैनल है, उस टाइम भी काफी प्राइवेट बड़ा चैनल था, सीधे आज तक में एंट्री कैसे हो गई, मतलब बिहार के पूर्णिया जिले का एक लड़का सीधे आज तक में कैसे पहुंच गया। मैंने जर्नलिज्म का कोर्स किया, उसके बाद हम जॉब के लिए काफी इधर उधर भटक रहे थे। 95 में आज तक लॉन्च हुआ था, और आज तक जब लॉन्च हुआ था उसके बाद मेरा 97 में जब कोर्स खत्म हुआ तो उस समय 98 इलेक्शन की तैयारी चल रही थी, और जिस तरह से, जिस अंदाज में
एसपी सिंह उस समय 97 में खबरें पढ़ते थे, वो बड़ा हमें अच्छा लगता था। जितने आप इंडस्ट्री में आज जितने एडिटर्स देखते हो, हम लोगों ने सब साथ काम किया आज तक में, सब आज तक की कोर टीम होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने वहां चक्कर लगाना शुरू किया। ओके। कुछ दिन के लिए, मुश्किल से 10-15 दिन के लिए मैं इंटर्नशिप करने गया था एशियन एज में। एशियन एज का उस समय शुरू हुआ था, वंदना बिल्डिंग है वहां पे कनॉट प्लेस के पास, कस्तूरबा गांधी मार्केट में वहां ऑफिस होता था उसका, और वहीं बगल में फिर आज तक का ऑफिस होता था कॉम्पिटेंट हाउस में। वहां से मैं वहां जाता था, चक्कर लगाना शुरू किया। तो 97 करीब मुझे, आपको सितंबर या अक्टूबर की बात होगी, 98 इलेक्शन के लिए वो उस समय किसी भी चैनल में गेस्ट कोऑर्डिनेशन की और पैनल की अलग से टीम नहीं होती थी। तो मुझे उसके लिए रखा गया। मैं जब कई बार गया तो मुझे कहा चलो ठीक है, तुम्हें 3 महीने के लिए रख रहा हूं इलेक्शन के लिए। और उस समय आज तक इलेक्शन दूरदर्शन के लिए करता था, आपका फैसला करता था और इंडिया डिसाइड्स इंग्लिश में करता था। तो उन्होंने कहा कि जो गेस्ट हमारे पॉलिटिकल गेस्ट होंगे उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए, उनको लाने के लिए आपको 3 महीने के लिए रखा जाता। तो मैं कॉन्ट्रैक्ट पे 3 महीने के लिए एज ए गेस्ट कोऑर्डिनेटर गया था। और उस दौरान फिर हमने खूब मेहनत की 3 महीने। फिर जैसे ही वो खत्म हुआ तो फिर हमने कहा कि अब क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि रुक जाओ, अब हम एक मॉर्निंग आज तक में सुबह आज तक शो शुरू कर रहे हैं। और इसके बाद उन्होंने मुझे मेरे काम को देख के, गेस्ट कोऑर्डिनेटर वाले काम को देख के, उन्होंने मुझे पेरोल पे रखा। तो मैं ट्रेनी रिपोर्टर, उन्होंने मुझे 98 में अपने यहाँ ज्वाइन करवा लिया। कितनी शुरुआत मेरी, कितनी सैलरी मिलती थी उस टाइम? उस टाइम में जब मैं कॉन्ट्रैक्ट पे गया था तो 3000 का कॉन्ट्रैक्ट था मेरा, 3 महीने का 9000 का था। और जब मैं पेरोल पे था तो 5600 रुपीज थे, 5600 रुपये थे, कट कुटा के मुझे 5100 कुछ रुपए हाथ में आते। तो फिर रिपोर्टर बन गए आप? फिर मैं रिपोर्टर हो गया। और इसके बाद रिपोर्टर हो गया तो उस समय चैनल कम होते थे, आज तक आधे घंटे का सिर्फ शो जाता था। बड़े बड़े नाम थे, बीजेपी दीपक चौरसिया देखते थे, रंजन झा हमारे कुलीग होते थे, वो कांग्रेस देखते थे, तो हमारे लिए कहीं जगह नहीं थी। तो हम लोग कुछ लोग थे जो लोकल दिल्ली देखते थे। तो हमारा एम होता था कि चलो कम से कम रोज कम से कम एक बायलाइन चल जाए, और सप्ताह में 2-3 दिन एक बार स्क्रीन पे किसी तरह छोटा सा पीटीसी करके भी दिख जाओ। तो दिल्ली की जो लोकल खबरें होती थी, क्राइम की, इधर उधर तमाम खबरें जो भी होती थी, छोटा सा पीटीसी करता था और पीछे पड़ा रहता था कि एक बार कम से कम दिखा दो। तो मतलब इस तरीके से आपने शुरुआत करी वहां। जी जी। अच्छा सर, आपकी प्रोफाइल को देखें तो आज तक में काफी लंबा समय आप रहे, पूरे 16 साल तक आप रहे, और जब आपने आज तक छोड़ा तो डेप्यूटी एडिटर आप आज तक में बने, बहुत बड़ी प्रोफाइल होती। तो मैं आपसे ये जानना चाहता था कि आपने एज अ रिपोर्टर कैरियर स्टार्ट करा, फिर आपने वहाँ पे शोज भी किए और डेप्यूटी एडिटर की प्रोफाइल तक पहुँचे, तो कब ऐसी टाइमिंग्स बनी, कब ऐसे समीकरण बने कि जब आपको आगे प्रमोट किया लोगों ने, वो कौन थे जिन्होंने आपको प्रमोट किया, किनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ, थोड़ा खुल के बताइए। देखिए, मैं अपने आप को, जब मैं अपने यहाँ की टीम को बात करता हूँ या भारत में था लोगों से जब इंटरेक्ट होता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूँ जिनके बॉस अच्छे मिले। इंडस्ट्री के नामी ग्रामी जितने भी लोग हैं जिन्होंने हमें सिखाया, वो हमारे बॉस रहे। फॉर एग्जाम्पल, आपको नकवी जी थे, एक एक कॉपी लिखाते थे। मुझे याद है जब मैं उस समय सारी चीजें मैनुअल होती थी, हम लिख के जाते थे, नकवी जी यूं स्क्रिप्ट फेंक देते थे, कहते थे कि आप लोगों के बस की बात नहीं। क्या बात है, हिंदी टाइपिंग। उन्होंने मैंडेटरी कर रखा था कि हर व्यक्ति को हिंदी टाइपिंग सीखना होगा और रोज एक पेज ला के दिखाना होगा कि ये मैंने हिंदी टाइपिंग की। इसके बाद उदय शंकर आए, उदय शंकर को आप जानते ही हैं, अलग अलग अंदाज, अलग स्टाइल में काम करने वाले आदमी, बहुत पसंद करते थे, काफी सिखाया उन्होंने कि खबरों से कैसे खेला जाता है, किस तरह से खबरों की लाइंस होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, तमाम चीजें। एक साल करीब हमारे एडिटर राहुल देव रहे,
तो ये जो तीन चार लोग थे हमारे, तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि ऐसे ऐसे हमारे बॉस मिले जिन्होंने हमें खूब सिखाया और निस्वार्थ भाव से सिखाया। तो यही वजह रही कि जो जो कॉन्फिडेंस था मेरा और जो एक अपने लीडरशिप में ट्रस्ट होता है, बिल्कुल, तो जब लीडरशिप में हमारा जब ट्रस्ट था तो हमें लगता था कि मेरा लीडर जो कह रहा है वो 100% सही कह रहा है। तो फिर हम उसको आंख मूंद के फॉलो करते थे, उस पे आगे बढ़ते। यही वजह रही कि हमें अच्छे अच्छे असाइनमेंट मिलने लगे। असाइनमेंट मीन्स कि हमने कभी देखा नहीं, सनकी मैं शुरू से था, मुझे काम करने की बड़ी जिद थी। आपको याद होगा, मैं यहाँ बताना चाहूंगा आनंद जी, शिवसेना ने मेरे ख्याल से 98-99 में या 98 में शिवसेना ने पिच खोदा था फिरोजशाह कोटला का। बिल्कुल बिल्कुल, इकलौता रिपोर्टर मैं था जिसने कवर किया था उसको। सिर्फ आज तक ने कवर किया था 11 बजे रात में, और वो मैं किया था जो पिच खोदते हुए कवर किया था। वहां से मैंने पीटीसी करी थी, किसी चैनल को किसी अखबार को भनक तक नहीं। इसके बाद जिस समय जया जेटली को समता पार्टी का बनाया गया, 1:30 बजे रात में मैं उस समय सिंपल रिपोर्टर होता था, नाइट शिफ्ट में था। 1:30 बजे रात में हमने वो खबर की थी कि कैसे जॉर्ज फर्नांडिस के घर मीटिंग चल रही है, जया जेटली को वो किया गया। फिर पूरे दफ्तर को बताया, उस समय सारे लोग रात में आए, दीपक आए, सुप्रिया जी आए, सारे लोग आए रात में, पूरे समता पार्टी वाले, उस समय बाल योगी हुआ करते थे स्पीकर, उनसे मिलने गए। रात भर हमने पूरा कवर किया, वो मेरी खोजी हुई स्टोरी थी। तो पहले ना ये इतनी चीजें होती थी, तो आज तक में क्या था कि जलेबी और समोसा का बड़ा अच्छा कल्चर होता था किसी भी खुशी के मौके पे, और एक वहां पे बोर्ड लिखा होता था। तो उस समय वो बोर्ड पे सिर्फ लिखा जाता था कि हमने बहुत अच्छा समशेर वेल डन, और फिर जब जलेबी समोसे की पार्टी होती थी। तो ये दो इवेंट मैंने रात में, मेरी नाइट शिफ्ट होती थी, और ऐसा किया था कि मुझे दोनों ही बार मेरे एडिटर ने जलेबी समोसे की पूरे दफ्तर को पार्टी दी थी, और उस बोर्ड पे वह नाम लिखा हुआ था। और इसके बाद कि हमने रुक के, मतलब मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मुझे मौका मिलते गए मैं आगे बढ़ता चला गया, ब्यूरो में भी गया मैं। और आपको मैं बताऊं कि वर्ल्ड के जितने भी बड़े इवेंट हुए हैं मैंने आज तक में रहते हुए कवर किया, चाहे वो कोपेनहेगन का एनवायरमेंटल समिट हो जी, जापान सुनामी हो, 16-17 दिन मैंने जापान सुनामी कवर किया, सेंडे तक गया था, सेंडे के काफी पास तक गया था, न्यूयॉर्क में न्यूक्लियर समिट हो, तमाम चीजें जो वर्ल्ड के जितने भी बड़े इवेंट होते हैं वो मैंने कवर किया, और बेहद ईमानदारी से किया। यही वजह थी कि आपने प्रोफाइल में देखा ही होगा कि मुझे गोयनका अवार्ड भी मिला था। बिल्कुल, बिल्कुल। वो भी मुझे ऑन द स्पॉट मिला था। यस यस, 3 दिन मैंने बारिश में जंगल में छुप के रिकन्वर्जन वाली स्टोरी को मैंने कवर किया था, और उसमें मुझे गोयनका अवार्ड मिला था। तो मैं, मेरे बॉस ने, मतलब दो चीजें जो मैंने कही आपको, कि एक मुझे अपने लीडरशिप पे ट्रस्ट था कि लीडरशिप जो मुझे कह रहे हैं, मेरे लीडर, मेरे कमांडर जो कह रहे हैं वो अच्छा कह रहे हैं, और कमांडर को भी मेरे पे ट्रस्ट था कि ये सिपाही हारेगा नहीं। सर वाकई में कुछ अनुभव तो ऐसे हैं जो शायद कई लोगों को जब वो इंटरव्यू देखेंगे तो पता चलेंगे आपके बारे में कि किस तरीके से आपने आज तक में अपना करियर स्टार्ट करा। चैनल लॉन्चिंग की हम बात कर रहे थे जी, हिंदुस्तान आपने लॉन्च किया, तो उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, रिपब्लिक भारत की लॉन्चिंग टीम में भी आप थे, हिंदी चैनल हेड आप थे, और अर्णब गोस्वामी जी ने खुद आपको अपॉइंट किया था उस पोजिशन पे, तो उस यात्रा के बारे में कुछ बताइए, कैसे चैनल की प्लानिंग हुई, कैसे आप उनसे मिले, कैसे आपको जिम्मेदारी दी, और बहुत कम समय में, बहुत ही कम समय में आपने रिपब्लिक भारत को बड़े बड़े चैनलों की एकदम लाइन में लाके खड़ा कर दिया, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? मेरा प्रोफाइल एडिटर का, मतलब अगर मार्केट की तुलना में करें, जो एडिटर का एक प्रोफाइल होता है उनको एक्सपीरियंस हो, कहीं मैं एडिटर था नहीं, मैं चैनल अफेयर्स एडिटर था, मैं सोचता था कि चलो 2-4 साल और मुझे लगेंगे एडिटर बनने में, सपना था मेरे मन। मैं ये सोचता था, मैं बार बार कहता था, मेरे जो आईएएस आईपीएस दोस्त मिलते थे तो मैं कहता था, जैसे तुम लोग कहते हो कि चीफ सेक्रेटरी से रिटायर करूंगा, डीजीपी से रिटायर करूंगा, तो यार मैं भी कभी चैनल हेड से रिटायर करूं तो लगेगा कि मैंने कुछ किया अपने पेशे में, अपने करियर में। तो मेरा वो प्रोफाइल था नहीं, अर्नब के चैनल
लॉन्च होने की जब बात आई तो कई तमाम बड़े लोग जो मार्केट के एग्जिस्टिंग एडिटर थे, एस्टैब्लिश्ड एडिटर थे, वो अप्रोच कर रहे थे, वो भी उनको देख रहे थे। मैंने अचानक उनको मैंने कहा कि एक दिन मैंने उनको मैसेज किया और बेहद ईमानदारी से मैंने कहा कि ये मेरा प्रोफाइल है, अभी मैं नेशनल अफेयर्स एडिटर हूँ, ये मैंने जी हिंदुस्तान लॉन्च किया था, ये वहां मैंने ये मेरा एक्सपीरियंस है एज एन एडिटर और अभी भी वो मैसेज है। और मैंने कहा कि आप मेरे से मिलो तो मैं हो सकता है आपको अपना पूरा रोड मैप दूं, आपको पसंद आए तो मुझे रख लीजिए। उनका तुरंत रिवर्ट आया कि एचआर तुमसे कोऑर्डिनेट करेगा, एचआर विल कोऑर्डिनेट विद यू और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे आ जाओ। करीब 2.5 घंटे हमारी उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, 2.5 घंटे में आप अर्नब के स्टाइल को जानते हैं बिल्कुल। मैंने अपनी सारी बातें मैंने साफ कहा, उन्होंने कहा कि तुम एडिटर क्यों बनना चाहते हो, मैंने कहा मेरे अंदर भूख है, क्योंकि मैं एडिटर हूं नहीं, मेरा ड्रीम है, तो मुझे लगता है कि भूख है, ड्रीम है और काम आता है मुझे। इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इतने सालों तक किया हूं, ग्राउंड का आदमी हूं, रिपोर्टर आदमी रहा हूं, मुझे ग्राउंड का भी पता है, इधर आउटपुट का भी पता मुझे, तो मुझे लगता है कि मैं बाकियों से ज्यादा बढ़िया करूंगा और एनर्जेटिक हूं। तो उन्होंने कहा एनर्जेटिक क्या, मैंने कहा सर अभी भी मैं ठीक है, मेरी उम्र 50 प्लस है, लेकिन अभी भी मैं एक घंटे रोज जिम करता हूं और बाकी दूसरा काम नहीं करता। उन्होंने कहा ठीक है अगली बार फिर मिलेंगे, विनिंग प्लान लेके आ। 10 दिन बाद फिर उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हुई, तमाम चीजें उन्होंने कहा कि चैनल का मुझे एक लाइन में बताओ कि अगर मैं आज रात में अनाउंस करूं कि हिंदी चैनल आने वाला है बोलूं तो क्या बोलूं। उन्होंने कहा अभी बताओ, मैंने कहा कुछ नहीं, आप बोलोगे और नीचे आएगा जल्द ही, मैंने कहा एक शब्द आएगा जल्द, मैंने कहा आप बुलेटिन के आखिरी में, इंग्लिश बुलेटिन के आखिरी में करना और नीचे आएगा जल्द ही, बस और कुछ नहीं आएगा जल्द ही। फिर उसके बाद बात बड़ी उनको मैं पसंद आ गया, उन्होंने कहा देखो मैं तुम्हें बड़ी जिम्मेदारी दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे फिर जो तमाम चीजें होती है, तो मैं पहला एम्प्लॉई था रिपब्लिक भारत का, यहाँ दफ्तर भी नहीं बना था, दफ्तर बन रहे थे, फिर मैंने रिक्रूटमेंट शुरू किया, तमाम चीजें शुरू की, अर्नब यहाँ रहते थे जब चैनल हमारा लॉन्च हो रहा था। और मैं आपको बता दूं आनंद जी कि वो मेरे लिए इतना बड़ा चैलेंज था और इतनी बड़ी चुनौती थी मेरे लिए कि मैंने बॉस को भी उनको कहा था कि बॉस मैं जिस दिन ये चैनल नंबर वन बन रहेगा मैं रिटायर हूँ, तो सब मेरा मजाक उड़ाते थे, मैंने कहा नहीं रिटायर मैं धोनी की तरह होऊंगा, नंबर वन बन जाए मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा, मैं रिटायरमेंट पे। उस चक्कर में मैंने 2 साल वहां एक भी वीकली ऑफ नहीं लिए, नॉट अ सिंगल वीकली ऑफ। आज भी लोग मतलब ये लोग इंडस्ट्री में चर्चा करते हैं, सुबह मैं उठता था जाता था, रात में 11 बजे उनका शो खत्म होता था अर्नब का, फिर हमारी मीटिंग होती थी, 1 बजे 1:30 बजे आता था, फिर सुबह मैं वहां पहुंचता था। जो अपने आप को बिल्कुल झोंक देना कहते हैं ना, मैंने अपने आप को झोंक दिया था। मैंने घर में भी कह दिया, मेरे बच्चे बड़े हैं, मैं बेटा 12th में है, बेटी कॉलेज में है, तो मैंने उनको भी कह दिया, पत्नी को कह दिया, मैंने कहा समझो युद्ध लड़ने जंग लड़ने जा रहा हूँ घर से बाहर। 2-2 महीने 2.5-2.5 महीने आनंद जी मैंने अपने बच्चों का चेहरा नहीं देखा। मैं आता था रात में 1:30-2 बजे सोता था, सुबह वो स्कूल कॉलेज जाते थे, मैं सुबह उठ के ऑफिस, फिर वो। और ये जुनून तो मेरे में था ही, लेकिन इससे कहीं ज्यादा अर्नब गोस्वामी में था। दिखता है उस प्रोफाइल पर आके वो मेरे से भी ज्यादा काम करते थे। और मुझे कह दे समझे तू लगता है थक गया, मैंने कहा नहीं बॉस नहीं थका, नॉन स्टॉप अगर मैंने किसी आदमी को 36-36 घंटे काम करते देखा है तो मैंने उसी को पूरी जिंदगी में देखा है। 36 घंटे नॉन स्टॉप एक झपकी मारते थे कमरे में लग जाते थे, तो वो चैनल जो नंबर वन बना ऐसे नहीं बना, बहुत मेहनत थी उसके पीछे, बहुत बहुत ज्यादा मेहनत। कई बार लगता था कि हम गिव अप कर देंगे, कई बार लगता था, इतना प्रेशर होता था, लगता था क्या करेंगे। फिर मैं वही क्या करता था, उन्हीं के कमरे में मैं जाता था, मेरी एक आदत है अच्छी को हो बुरी को
मैं उनके कमरे में जाता था, 2-3 सेट पुशअप के मारता था, थोड़ा फ्रेश होके पानी पी के फिर बाहर आके काम में लगता तो कहीं ये तो ऐसा कहीं ऐसा ही तो नहीं था कि शायद आप अपनी फैमिली को समय नहीं दे पा रहे थे, अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे थे, तो आपने रिपब्लिक भारत से ब्रेक ले लिया? नहीं नहीं ऐसा नहीं था। देखिए क्या है कि मुझे 2 साल से ज्यादा हो गए थे, और एक जो मैंने आपको कहा ना कि ये चैनल मेरे मन में हमेशा कसक रहती थी कि जब इसको ये नया शुरू करके उठ सकता है, ये चैनल की जब इस चैनल को मैं देखता था तो मुझे लगता था कि इतना बड़ा ब्रांड, तमाम चीजें, ये चैनल उठ सकता था। 2 साल वहां हो गए थे, अब वहां मुझे भी अपना प्रोफाइल थोड़ा चेंज करना था, कुछ फाइनेंशियल भी चीजें, वेरी ऑनेस्टली कह रहा हूं कि 2 साल में जो हमने कमाया उस जो मेहनत की उसका भी कुछ मुझे चाहिए था। तो ये 3-4 चीजें थी जो मैंने, जब मुझे कहा गया तो मैं उस पर सोचने लगा, और मुझे सोचने में करीब 2-2.5 महीने लगे। आसान नहीं था रिपब्लिक भारत छोड़ना और अर्णब को कहना कि मैं बॉस जा रहा हूं, तो मुझे 2-3 महीने लगे माइंड मेकअप करने में। फिर हमने कहा कि चलो एक चैलेंज और लेते हैं, ये तो हो गया, अब एक चैलेंज और लेता हूं, और ये भी चैलेंज इसी नाम पे लिया हूं कि जिस दिन ये चैनल उठ जाएगा उस दिन रिटायर हो। नहीं पर काफी अच्छा, जी हिंदुस्तान काफी अच्छा कर रहा है, काफी अच्छी टीआर किया जी जी आपने, बहुत काफी चेंजेस किए हैं, बहुत काफी चेंजेस, बहुत अच्छा रिस्पांस है। और मेरी एक क्या आनंद जी बाकी एडिटर्स से अलग क्या है, मैं केबिन में नहीं बैठता। मैं एक दो बार मजाक में मैंने कहा मेरा बस चले तो मैं केबिन तोड़वा दूं मीडिया से। आप न्यूज रूम में बैठते हैं? मैं न्यूज फ्लोर पे रहता हूं। ये मैं अभी बैठा हूं आपसे बात कर रहा हूं, कुछ मीटिंग हो कमरे में रहता हूं, वरना मैं न्यूज फ्लोर पे रहता हूं, उनके साथ खड़ा रहता हूं। और कोई टीम अपनी लेके नहीं चलता हूं। बाकी लोगों का क्या होता है इंडस्ट्री में कि अगर वो गए तो उनके साथ 10 लोग आए, 10 लोगों की छटनी हुई, मेरी कोई टीम नहीं होती है, मैं ट्रस्ट करता हूँ। मेरा पहला स्पीच हर जगह यही होता है कि भाई मैं आया हूँ, मेरी ये स्पीड है, मेरी ये सोच है, मेरे स्पीड मेरे सोच में चलो, चलोगे ठीक है, नहीं चलोगे खुद बैठ जाओगे, जो चले ठीक है, नहीं चलते हो खुद आउट हो जाते हैं। मैं एक एक मेंबर पे ट्रस्ट करता हूँ, एक एक मेंबर को जिम्मेदारी देता हूँ, और उसी का नतीजा होता है कि आप हमारे चाहे रिपब्लिक का न्यूज रूम हो, यहाँ के न्यूज रूम में आप देखेंगे तो आपको एक दूसरा माहौल दिखेगा। लोगों को लगता है कि मैं एक एक नारा देता हूं इनको सबके सामने कि जिम्मेदारी भी तुम्हारी, हिस्सेदारी भी। अगर चैनल पे कुछ गलत गया, स्क्रीन पे कुछ गलत गया, तो एक एक आदमी जिम्मेदारी लो इसकी, गाली सुनने के लिए एक एक आदमी तैयार हो, और कुछ अच्छा गया तो तालियां भी एक एक व्यक्ति के लिए बजेगी, तुम्हारे मैनेजिंग एडिटर के लिए खाली नहीं बजेगी। ये मेरा मूल मंत्र है, और इसमें टीम, आनंद भाई मैं कहूं कि इसमें टीम इतनी ज्यादा इन्वॉल्व होती है, इतनी ज्यादा, हर व्यक्ति को लगता है कि चैनल मेरा है, हर व्यक्ति को लगता है। एक गलती चली गई तो एक इंटर्न भी होता है, एक दिन कोई गलत कुछ चली गई, एक इंटर्न मेरे पास दौड़ते आ गई। नॉर्मली हिंदी चैनल में क्या होता है कि एडिटर के कमरे में इंटर्न के आने की आप बिल्कुल भी नहीं सकते, उम्मीद ही नहीं कर सकते, दौड़ते आई सर गलत चल रहा है। मैंने तुरंत उसको एक चॉकलेट मंगाई दी, मैंने कहा यही मैं चाहता हूँ, ये कल्चर कि अगर गलत चल रहा है तो वो एक एक आदमी जिम्मेदारी। सर इसी से मेरा अगला सवाल था कि आपके बारे में जब इंडस्ट्री के लोगों से बात करते हैं तो 2 चीजें वो हमेशा कहते हैं, पहला कि एक तो यार शमशेर ना एक्सक्लूसिव स्टोरी का मास्टर है, पता नहीं कहां से एक्सक्लूसिव स्टोरी लेके आता है, और दूसरा कहते हैं कि यार अपने सब कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, अपने साथ जो काम करने वाले होते हैं, उनसे बहुत अच्छा काम निकलवा लेता है। ये आपने किसी से सीखा, आपने किसी को देखा? यंग कई बार होता है, जब हम यंग होते हैं हम किसी को काम करते हुए देखते हैं तो उसका स्टाइल हम अडोप्ट करते हैं, हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है लोगों का, तो आपने किसी से सीखा है या फिर इनबॉर्न ये चीजें हैं आपके अंदर? दोनों चीजें कह सकते हैं आप। इसमें 50% मैंने ये क्वालिटी उदय शंकर की होती थी। यस, ये क्वालिटी उदय शंकर की होती थी। उदय का कई बार क्या होता था कि अचानक सा फोन आया जब मैं रिपोर्टर हुआ करता था, और उनका जो लैंग्वेज होता था, अरे तुमने ये स्टोरी फाइल किया? हाँ सर।
कूड़ा की हो तुम। मैंने कहा क्या हुआ सर? कूड़ा है यार। मैंने कहा सर क्या करूं अब बताइए, ये चीज कर रहा हूं, जाके करके लाओ, 3 बजे तुम्हारी स्टोरी को से तुम्हारी लाइफ के साथ खोलूंगा, फिर बात कर। जब 3 बजे जब सारा चीज लेके आके खोलता था, फिर उनका जो है सो फोन आता था कि मेल पढ़ो। उस समय मोबाइल में मेल इतना होता नहीं था, मेल पढ़ो। मैंने कहा सर कुछ हो गया तो मेल तो पढ़ो, जाके मेल पढ़ के फोन करो। फिर जब मेल पढ़ता था तो देखता था कि तारीफ के मेल आए हुए। तो ये उनका 50% उनका वर्किंग स्टाइल था, कुछ मैंने अडॉप्ट भी किया बाकी अपने उससे अनुभव से भी। तो मैं सबको बोलता हूँ, जो हमारे एंकर्स होते हैं, जो हमारे लोग होते हैं, मैं उनको एक प्रॉमिस करता हूँ। प्रॉमिस ये करता हूं कि जो मैंने कहा ना कि तुम मेरे पे ट्रस्ट रखो, तुम्हारे अंदर क्या खासियत है जो तुम्हें भी पता नहीं होगा, मैं निकलवा लूंगा। यही एडिटर का काम, मैं निकलवा लेता हूँ और वह मैं निकलवा लेता हूँ। अब मैं जब एंकर को भेजता हूँ, जो एंकर कभी आप समझो बिल्डिंग के बाहर ना गया हो, फील्ड में ना गया हो, जब उसको मैं पूरे सब चीज करके बाहर भेजता हूँ समझा के, जब वो बढ़िया करके आते हैं तो उनको खुद ही पता नहीं चलता कि वो इतना बढ़िया कैसे कर। और टीम पे मैं ट्रस्ट करता हूँ, एक एक व्यक्ति पे ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे में ये नहीं है कि इनसिक्योरिटी कुछ है। मैं मुझे 1% भी असुरक्षा वाली बात नहीं। मैं मान के चलता हूँ जिस दिन फेल्योर होऊंगा फेल्योर हो जाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें मुझे कोई ये नहीं कि इसको ना बढ़ाऊं, इसको घटाऊं, इसको इन चीजों में मैं नहीं पड़ता। जिस दिन फेल्योर होऊंगा खुद ही फेल्योर होके निकल जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। अगला सवाल सर मेरा कोरोना को लेकर है कि पिछले 1.5 साल से हम देख रहे हैं और सेकेंड वेव में तो काफी लोग मर रहे हैं, चीजें बदली हैं और मीडिया के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ा है, चाहे वो रेवेन्यू के लिहाज से हम देखें, चाहे वर्क कल्चर के हिसाब से हम देखें, बहुत सी चीजें चेंज करनी पड़ी हैं। तो आप अभी हिंदुस्तान में हैं, क्या बदला है, क्या बदलाव ला रहे हैं और रेवेन्यू के लिहाज से चीजें कैसी जा रही हैं? देखिए रेवेन्यू बात करना यहाँ ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर बाकी बदलाव की अगर बात करें तो आप ये समझो कि ऐसी स्थिति में मैं हर रोज दफ्तर इसलिए आता हूं, मेरे भी घर में दबाव है, मेरी भी पत्नी कहती है, बच्चे कहते हैं ऐसी स्थिति में वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। मैं कहता हूं कि अगर कमांडर नहीं आएगा तो बाकी लोग ऐसे ही भाग खड़े होंगे। तो मैं हर रोज दफ्तर आता हूं, संडे को भी बेशक 3 घंटे के लिए आऊं लेकिन आता हूं। सिर्फ मैं क्या मानता हूं कि कोई भी चीज आनंद जी मेंटल गेम, सारा मेंटल गेम। अगर मैं ना आऊं कल को हमारे टॉप के 10 लोग बीमार पड़ जाएंगे, बिल्कुल कुछ 10 बीमार पड़ जाएंगे। तो एक चीज तो इस कठिनाई में हमने अच्छा ऑलमोस्ट जो लोग हैं, कोई भी ऐसा हमारा सहयोगी नहीं है जिसके यहाँ कोई ना कोई घटना ना हो, खुद बीमार पड़ा है, किसी की पत्नी बीमार है, किसी के पेरेंट्स हैं, सबके यहाँ वही स्थिति है जो अभी हालत है। तो मेरे पास एक लिस्ट होती है टेक्निकल से लेके सारे एडिटोरियल से लेके लोगों की, और मैं खुद पहला काम करता हूँ दफ्तर आके पहले तो उन्हें बताता हूँ कि तुम अगर कुछ होगा तो तेरा कमांडर सबसे पहले दफ्तर में बैठा है। दूसरी चीजें मैं एक एक आदमी को फोन करके उनका हाल चाल लेता। अब हमारे ट्विटर हैंडल पे जाएंगे आप देखिएगा, कई कई हमारे लोग जो बीमार हैं तो वो जब ठीक हुए तो उन्होंने मुझे करके लिखा है कि कैसे मैं उनको पूछते रहता था, उनकी व्यवस्था करना पर्सनल लेवल पे, कोई ऑफिशियल कुछ नहीं, उनको मनोबल बढ़ाना, उनको जरूरत हुई तो कहीं दिलाना। ये मेरा एडिटोरियल काम चैनल चलाने के अलावा ये मेरा एक एक्स्ट्रा काम है कि मेरे पास एक लिस्ट होती है, ये देखिए अभी भी लिस्ट पड़ी हुई है, इसमें मैं टिक मारता हूँ, इससे बात हुई, इससे बात हुई, इससे बात हुई, दो मिनट बात करके एक बार सबका हालचाल लेता हूँ। उनको भी लगता है कि मैं कंसर्न हूँ, वाकई कंसर्न हूँ, लेकिन चूंकि इतने इस लेवल पे हो रहा है, लोग इतने डरे हुए हैं कि दिक्कत तो हो ही रही है हमें चलाने में, बट मैं ये कहूं कि इसी का नतीजा है कि बाकी जगहों की तुलना में हमारे यहाँ कम लोग जो है
पॉजिटिव है, कम लोग घरों पे हैं। सारे जब तक वो हिम्मत करते हैं आते हैं, पर सबको लग रहा है कि मैं नहीं आऊं तो पता नहीं चैनल का क्या हो। नहीं वो है सर, एडिटर को तो आना ही पड़ता है, एडिटर को देखना ही पड़ता है। सर एक सवाल मेरा था, आखिरी सवाल है कि डिजिटल की भी आपको जिम्मेदारी मिली है और कोरोना में हमने देखा है कि डिजिटल ने काफी एक अभूतपूर्व वृद्धि जो है की है, तो डिजिटल में इन फ्यूचर आप डिजिटल की संभावनाओं को कैसे देखते हैं, टीवी की संभावनाओं को कैसे देखते हैं, और डिजिटल में ये जो फेक न्यूज का जो एक सिलसिला जो चल पड़ा है, तो उस हिसाब से जी हिंदुस्तान की टीम कैसे रणनीति बनाती है, कैसे चीजों को आगे बढ़ाती है? देखिए डिजिटल अगला समय तो आप ईमानदारी से कहें तो डिजिटल का है। अगर आप टेलीविजन से तुलना करें तो आने वाला वक्त, मैं तो कई नए जर्नलिस्ट जब आते हैं वो कहते हैं मुझे सर ज्वाइन करवा लो, मैं जॉब करना चाहता हूँ टेलीविजन में, तो मैं उनको कहता हूँ कि तुम डिजिटल शिफ्ट करो क्योंकि अगला समय डिजिटल का है, क्योंकि हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में वो है, किसी के पास टेलीविजन देखने का उतना टाइम नहीं है। तो डिजिटल में अगर आप देखें तो डिजिटल के भविष्य को लेके देखें तो आप आज से 5-6 साल अगर आप बात जाओगे, ज्यादा 5 साल तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, तो पूरी तरह हावी होगा डिजिटल टेलीविजन। और 2-3 समस्या जो आपने पेड न्यूज की कही वो वाकई कई बार हमारे लिए बड़ा चिंता का होता है, क्योंकि वो इतनी इतनी पतली इतनी थिन लाइन है, तो उसमें हमने क्या किया कि उसके हमने मैकेनिज्म बनाया है, उसमें हमने कई लेयर्स पे रखे हैं कि इसको कैसे रोका जाए, बट बड़ा मुश्किल है। अगर डिजिटल को किसी चीज से सबसे ज्यादा चुनौती है तो वो उसी से, बिल्कुल, क्योंकि मिनटों में चीजें वायरल हो जाती हैं, मिनटों में। तो अगर सबसे ज्यादा चैलेंज डिजिटल के सामने है तो वही है, वरना तो उसके लिए हमने भी काफी, हालांकि हमारे से भी कई बार हो गई गलतियां, हो जाती है, फिर भी हमने कई लेयर्स पे उसकी उस पे हमने रखा है कि इसको चेक करना है, इसको बाकी चीजें करनी है, लेकिन वो मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, थोड़ी सी गलती है, चूंकि वो इतनी पतली रेखा है, लाइन इतनी पतली है, गलती हो जाती है, कब क्रॉस कर जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। नहीं सर ये बात आप सही कह रहे हैं, बड़े बड़े संस्थान और बड़े बड़े संस्थानों के बड़े बड़े पत्रकारों ने गलती की, उन्होंने फेक ट्वीट, तो मैं कह रहा हूं उन्होंने फेक ट्वीट क्यों है। सर इंटरव्यू का आखिरी सवाल है, मैं आपकी ट्विटर बायो देख रहा था, उसमें आपने लिखा अंग्रेजी कमजोर और स्वभाव से जिद्दी। सर आज के समय में देखा जाए तो जिसकी अंग्रेजी कमजोर है और जो स्वभाव से जिद्दी है वो तो एकदम लोग कहते हैं कि भाई तुम लायक नहीं, लेकिन इस स्वभाव के साथ और कमजोर अंग्रेजी के साथ आप आज एक चैनल के मैनेजिंग एडिटर हैं, तो क्या इसके पीछे राज है, आप थोड़ा खुल के बताइए। मैंने कभी अंग्रेजी पढ़ी नहीं, अंग्रेजी स्कूल में लिखता अच्छा हूँ, अब तो बोल भी लेता हूँ गलती से, काम लायक बोल लेता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो एक एक मैंने कहा ना मेंटल गेम है, आपके मन में अगर हो कि यार अंग्रेजी कमजोर हूं मैं यहाँ खड़ा नहीं हो पाऊ, इनसे नहीं मिल सकूं, तो मेरे से जो जब मैं चाहे कैंपस जाता हूँ, कहीं किसी सेमिनार में जाता हूँ, किसी फंक्शन में जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ यहाँ एक से एक बड़े अंग्रेजी वाले हैं, तो मुझे लगता है कि अंग्रेजी कहाँ से आ गई, तो मैं ये उन लोगों के लिए लिखा हूँ, खास करके उन नए लड़कों के लिए, नए स्टूडेंट्स के लिए, चाहे जिस भी फील्ड में हो, कि अंग्रेजी कमजोर होना कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। और उसका उदाहरण मैं हूँ, उनको बताता हूँ, वो मेरे बायो देख के ये समझ लें ये कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। आप अंग्रेजी कमजोर है तो ये नहीं कि आप सर्वाइव नहीं करेंगे, आप दूसरों से और आगे जाएंगे, एक पे एक अंग्रेजी बोलने वाले, मैं कहता हूँ जब मैं नॉर्मल अगर इस तरह की कोई बातें होती तो मैं कहता हूँ आप एयरपोर्ट पे जाओ, 5-स्टार में जाओ, हर कोई अंग्रेजी बोलता है, मैंने कहा उससे क्या होता है, उससे थोड़ी तुम्हारा प्रोफाइल हमारे मेरे प्रोफाइल से उसका प्रोफाइल बड़ा होता है। तो ये उनके लिए है जो मन में ये रखते हैं कि अंग्रेजी अगर कमजोर है तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, गलत है, बिना अंग्रेजी के आप आगे बढ़ सकते हो, जिद्दी होना चाहिए, जिद होनी चाहिए कि मुझे ये करना है, बिल्कुल, इसीलिए मैं अपने फेसबुक पे ट्विटर पे हर जगह मैंने ये लिखा कि जो मेरा प्रोफाइल पढ़े तो उसको ये लगे कि इस आदमी की अंग्रेजी कमजोर है लेकिन ये आदमी का प्रोफाइल तो बड़ा अच्छा है, प्रोफाइल अच्छा है,
बिल्कुल सर, आपने आपने सारे सवालों के जवाब दिए, काफी बेबाकी से जवाब दिए, काफी खुलकर जवाब दिए, और एक बार फिर जी हिंदुस्तान के स्थापना दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई। मेरी कामना है कि आपके काम, मेरी कामना है कि बस आपके सानिध्य में आगे बढ़े, एक नए कीर्तिमान स्थापित करे। समाचार फॉर मीडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, बहुत थैंक यू मौका देने के लिए।